नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ फाउंडेशन और मैं स्वाति पांडे आपके साथ। वंदे भारत एक्सप्रेस में सफर करने का इंतजार कर रहे यात्रियों के लिए बड़ी खबर है। अब इंतजार आपका खत्म हुआ। अगर आप बिहार से झारखंड जाना चाहते हैं, यानी पटना से अगर आप रांची जाना चाहते हैं, वो भी वंदे भारत एक्सप्रेस में बैठकर, तो बता दें कि 26 जून से इसका परिचालन शुरू हो जाएगा और अब आप 26 जून से वंदे भारत एक्सप्रेस में बैठकर सफर कर सकते हैं। इसकी ट्रायल भी हो गई है। रेट और रूट दोनों ही जारी कर दिया गया है। आपको बताते हैं कि आखिर टाइम टेबल क्या है, रेट क्या है और आपके पॉकेट के से कितने पैसे इसके लिए खर्च होंगे। बता दें कि वंदे भारत के परिचालन का इंतजार कर रहे बिहार और झारखंड के लोगों के लिए रेलवे ने बड़ी खुशखबरी दी है। पटना रांची वंदे भारत एक्सप्रेस 26 जून से चल सकती है। भारतीय रेलवे 26 जून से 5 और मार्गों पर वंदे भारत ट्रेन का संचालन करने के लिए तैयारी कर रही है। खबरों के मुताबिक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए ट्रेनों को हरी झंडी दिखाने की उम्मीद है। जिन रूटों पर 5 ट्रेनें चलाई जाएंगी वो मुंबई से गोवा, बेंगलुरु से हुबली, पटना से रांची, भोपाल से इंदौर और भोपाल से जबलपुर होगी। रेल मंत्रालय ने उड़ीसा त्रासदी के बाद मुंबई गोवा वंदे भारत ट्रेन का शुभारंभ रद्द कर दिया था। यह पहली बार है जब 5 वंदे भारत ट्रेनों का संचालन एक ही दिन शुरू होगा। बताते चले कि पटना रांची वंदे भारत एक्सप्रेस ने सोमवार को अपने ट्रायल का पहला चरण सफलतापूर्वक पूरा किया था। बताया कि पटना रांची के बीच चलने वाली सेमी हाई स्पीड ट्रेन पटना जंक्शन से सुबह 6:55 पर रवाना हुई थी, यानी जिस दिन ट्रायल हुई थी 12 जून को इसके स्पीड का ट्रायल किया गया था, जो कि 6:55 पर पटना जंक्शन से रवाना हुई थी। बताते चले कि पटना से रांची के बीच चलने वाली वंदे भारत एक्सप्रेस के परिचालन के इंतजार की घड़ियाँ भी अब खत्म हो गई है। 12 जून को इसका ट्रायल रन शुरू हुआ था। पटना जंक्शन से ट्रेन सुबह 6:55 पर रवाना हो चुकी थी। ट्रेन दोपहर 1 बजे रांची पहुंची थी। पटना से रांची के बीच ये ट्रेन 6 स्टेशनों पर रुकी थी। बता दें कि ये ट्रेन जहानाबाद, गया, कोडरमा, बरकाकाना, हजारीबाग, मेसरा होते हुए रांची पहुंची थी। वहीं ट्रेन रांची से 2:20 पर खुलकर 8:25 पर पटना पहुंची थी। यात्रियों को इस ट्रेन से सफर करने के लिए फिलहाल थोड़ा इंतजार करना है। बता दें कि 26 तारीख से इसका जो परिचालन है वो अब शुरू हो जाएगा। ट्रायल रन सफल होने के बाद इसे आम लोगों के लिए भी खोल दिया जाएगा। माना जा रहा है कि ट्रायल रन के बाद इसी महीने, यानी अब जो है पटना से रांची वंदे भारत ट्रेन को हरी झंडी दिखाई जाएगी। हालांकि अभी इसकी तारीख ऑफिशियली रूप से तय नहीं की गई है। ट्रायल रन के दौरान नियमित परिचालन के पूर्व सुरक्षा जाँच, लोको पायलट को स्पेशल ट्रेनिंग जैसी चीज़ों का तय किया जा रहा है। इन ट्रायल रन के दौरान ट्रेन का परिचालन तीव्र गति से किया जाएगा। बता दें कि रेलवे ने लोगों से अपील की है कि वो रेलवे ट्रैक से उचित दूरी बनाकर रखें। वहीं मवेशियों को भी रेलवे ट्रैक से दूर रखने की अपील की गई है। तो देखिए, इसकी अभी तक तो ऑफिशियल जानकारी, यानी आधिकारिक रूप से इसकी जानकारी नहीं दी गई है, लेकिन माना जा रहा है कि 26 तारीख से जो वंदे भारत एक्सप्रेस है उसकी परिचालन जो है वो शुरू कर दी जाएगी। यानी 26 तारीख से पटना से लोग रांची सफर कर सकेंगे वंदे भारत एक्सप्रेस में बैठ करके। फिलहाल तो इस खबर में बस इतना ही। और भी वीडियोज़ और अपडेट्स के लिए आप देखते रहें न्यूज़ फाउंडेशन।